एक राजकुमारी जो दुनिया को अपनी नजरों से देखना चाहती थी, लेकिन कट्टरता की भेंट चढ़ गई। अब इस प्रिंसेस का आलीशान महल ही उसके लिए जेल बन गया है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है दुबई के शक्तिशाली शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। साल 2018 से लापता दुबई की शक्तिशाली शासक की बेटी शहजादी शेख लतीफा बिन मोहम्मद अल मखतूम का एक नया वीडियो सामने आया है। 16 फरवरी को सामने आए इस वीडियो को दुबई की शहजादी ने टॉयलेट में रिकॉर्ड किया है। This villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. There is 5 policemen outside and 2 policewomen inside the house. And I can't even go outside to get any fresh air. And I don't know when I'll be released and what the conditions will be like when I'm released. Every day I am worried about my safety and my life. Don't really know if I'm going to survive the situation. वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें बंधक बना के रखा गया है। प्रिंसेस ने यह भी कहा कि इस हाल में वो जिंदा रह पाएगी या नहीं, उसे यह पता नहीं। नरक भरी जिंदगी जी रही प्रिंसेस ने कहा कि उसका विला ही उसके लिए जेल बन गया है। उन्हें खिड़की खोलने तक की इजाजत नहीं है। शेख लतीफा बिन मोहम्मद अल मखतूम कई सालों से आजादी के लिए जंग लड़ रही है। साल 2018 में वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, तब उन्हें एक नाव से पकड़ा गया था। इस प्रिंसेस के पिता शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी हैं। शेख लतीफा फ्रांसीसी जासूस की मदद से नाव से भागी थी, लेकिन बाद में उन्हें भारत के तट के पास से फिर से पकड़ लिया गया था। इस दुबई की प्रिंसेस ने 16 साल की उम्र में पहली बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही थी। लतीफा के मुताबिक उस समय उन्हें पकड़ लिया गया था और 3 साल तक जेल में टॉर्चर किया गया। लतीफा ने वीडियो में अपने पिता को काफी क्रूर भी बताया था। मंगलवार को जारी किए गए नए वीडियो में वो फिर से नजर आई है।